दोस्तों, अगर आप अपने गूगल प्ले का जो बैलेंस होता है उसको आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है मतलब आपका, और उसको आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप उस गूगल प्ले का जो बैलेंस है चाहे कितना भी अमाउंट हो वो कम से कम ज़्यादा ज़्यादा पूरे अमाउंट को आप आसानी से अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सब कुछ डिटेल्स पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। जो भी प्रोसेस है इसका सब कुछ का आपको आज लाइव करके दिखाऊंगा, और मेरा भी कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है वो भी मैं आपको विड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो बस चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। तो मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि आप गूगल प्ले के बैलेंस को अपने पेटीएम वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं अपने गूगल प्ले में जो बैलेंस है उसको दिखा देता हूँ कि मेरा बैलेंस है इसमें। चलते हैं, यहाँ पर प्ले स्टोर में आ गया हूँ मैं यहाँ पर, और आपको एक बार बैलेंस दिखा देता हूँ मेरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अभी 10 रुपया पड़ा हुआ है, मतलब 10 रुपीज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं गूगल प्ले बैलेंस, और 10 रुपये यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसको मैं विड्रॉ करके दिखाऊंगा। आपका हो सकता है ज़्यादा अमाउंट हो तो ज़्यादा अमाउंट पे आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए आपको बता देता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। तो आपको इसको मिनिमाइज कर देते हैं अभी। तो और सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और फिर से प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम है कूपन कन्वर्टर। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कूपन कन्वर्टर। तो कूपन कन्वर्टर एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, इस तरह का इसका इंटरफेस है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगी। ये इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.8 की इसकी रेटिंग है, 1.7 MB का ये एप्लीकेशन है, और इसको इंस्टॉल करना है, बता देता हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, इंस्टॉल हो गई है। तो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपने अकाउंट पहले बनाया हुआ नहीं होगा यहाँ पर, तो हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं नीचे, और यहाँ पर आपको ये डिटेल्स फिल कर लेनी है। फुल नेम, आपका नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये चार चीज़ें आपको भर देनी है। मैं अपनी इनको फिल कर देता हूँ सबसे पहले। तो सारे यहाँ पर मैंने सब कुछ फिल कर दिया है। अब आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, जो रेड कलर में नीचे से हो रहा है। रजिस्टर पर क्लिक किया तो अब हमारा यहाँ पर अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एप्लीकेशन का मतलब इंटरफेस ऐसा है, जब आप इसको ओपन करेंगे तब अकाउंट बन जाने के बाद। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आगे शो हो रहा है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 80, 100, 150, 300 और 1000 रुपये तक यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है आपके गूगल प्ले में जितना बैलेंस है उतने को आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मेरा 10 रुपया है तो 10 रुपये के सामने बाय लिख रहा है, तो मैं बाय पर क्लिक करूँगा तो 10 रुपये मेरे विड्रॉ हो जाएंगे। और ऐसे जैसे 20 रुपये हैं, 30 रुपये हैं, जितने भी अमाउंट है आपके उसके सामने बाय लिखा हुआ है, बाय पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर बस रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, और 4 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर, 4 से 7 का मैक्सिमम टाइम देते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ही आपका अमाउंट जो है पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और शो हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे ग्रीन कलर में, यू विल गेट 6 रुपीज़, यानी 10 रुपीज़ के आगे जब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा है 6 रुपये आपको मिलेंगे, 20 के आगे शो हो रहा है 12 मिलेंगे, 30 के आगे शो हो रहा है 18 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है जो भी अमाउंट आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे तो उसका 40% डिडक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और 60% आपको मिलेगा। तो 10 रुपये का 60% 6 रुपये मिलेगा, 20 का 60% 12 रुपीज़ मिल जाएगा। तो इसमें 30 रुपये है जो गूगल प्ले ही आपका काट लेता है, मतलब गूगल प्ले आपका 30 रुपये तो कुछ चार्ज वगैरह काट के आपको मतलब 70% देता है, और 10% है जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस है। इस तरह से टोटल 40% आपका कट जाएगा, 60% अमाउंट आपका आपके पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह जब आपको अपना मैक्सिमम पैसा यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, जैसे 1000 रुपये आप ट्रांसफर करेंगे तो 600 रुपये आपको मिलेंगे। तो इसलिए कुछ तो परसेंट आपका कटेगा ही, लेकिन पेमेंट की गारंटी है आपका पेटीएम वॉलेट में 100% ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने किया है। तो अभी हमारा 10 रुपये पड़ा हुआ है गूगल प्ले बैलेंस में, तो अब मैं 10 रुपये के सामने बाय पर क्लिक कर देता हूँ। बाय पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन ऊपर ही ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने पेटीएम वॉलेट का मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कूपन कन्वर्टर 10 रुपीज़ और गूगल प्ले बैलेंस में भी 10 रुपीज़ है, और हम इसको बाय पर क्लिक कर रहे हैं। बाय पर क्लिक कर देना है। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डालना है, कि हो सकता है कोई आपका मोबाइल ले ले सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। एक तरह से आपको अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक किया और सेव पासवर्ड के लिए बोल रहा है, करना चाहे तो कर लेना, नो थैंक्स पर क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है पेमेंट सक्सेसफुल, रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर परचेजेस। तो आप इसको रीड कर लेना। अभी हम नो थैंक्स पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर शो हो रहा है पे आउट अमाउंट मेरा 6 रुपये, यानी कि मेरे वॉलेट में आएगा
40% कट गया है, मैंने आपको बताया था पहले ही। और यहाँ पर शो रहा है पे आउट डेट 7 अप्रैल 2023 तक मेरा अमाउंट यहाँ पर विदड्रॉ मतलब पेटीएम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 7 दिन का टाइम है मैक्सिमम, 4 से 7 दिन का टाइम, तो आपको इससे पहले ही आ जाएगा। 7 दिन से पहले आपको टेंशन नहीं लेनी है। और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी दूर कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपने गूगल प्ले बैलेंस को अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है, इसमें पैसे 100% आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।